हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ सेवई की रेसिपी। घी को मैंने पहले गरम कर लिया था अच्छे से, और उसमें मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू और किशमिश। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि जले नहीं। और मैंने इसको कढ़ाई में से निकाल लिया है। अब नेक्स्ट जो है सेवई, हम इसको जो है गोल्डन ब्राउन होने तक घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। मेरी सेवई फ्राई की हुई नहीं थी, अगर आपकी सेवई फ्राई की हुई है तो ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। तो इसको मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं, और इस तरह से कुछ आपकी जो है कलर आएगी, तब जाके आपका जो है सेवई अच्छे से फ्राई हो चुका होगा, समझने की ये है बात। और ये है आपकी जो दूध, मतलब दूध मैंने गरम करके रखा हुआ था, उसको अच्छे से मैंने बॉयल देके सेपरेट रखा हुआ था, तो अभी मैंने इस टाइम में गरम दूध जो है डाल दिया है, ठीक है। देखिए सारी मेज़रमेंट क्वान्टिटी वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से ऐड कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और दूध डालने के बाद इसको अच्छे से जो है चलाते रहना है, और अच्छे से सेवई जब पूरी तरह से गल जाए फिर हम इसमें लास्ट में चीनी ऐड करेंगे। तो अभी जो मैंने डाला, अभी ड्राई फ्रूट्स डाला, वो जो मैंने अभी ड्राई ऐसे फ्राई करके रखा हुआ था ना, उसको मैंने अभी डाल दिया। इलायची का पाउडर मैंने अभी इस समय डाल दिया है, दो इलायची को मैंने ऐसे क्रश कर लिया था, उसको अभी मैंने डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे, और इस तरह से कुछ आपकी कंसिस्टेंसी आएगी, और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और बिल्कुल ही कम इंग्रेडिएंट जो घर में बिल्कुल अवेलेबल रहते हैं। देखिए मेरी सेवई जो है ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने अभी चीनी इसमें डाल दिया, और चीनी मेल्ट जैसे ही हो जाएगा, ड्राई फ्रूट्स जो है बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को मैंने फिर से अभी डाल दिया है, और गार्निश के लिए थोड़ा सा मैंने रख दिया है, बाद में उसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स देके मैं गार्निश कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से जो है बहुत ही अच्छा इसका जो है थिकनेस बना है, और खाने में भी बहुत सुपर टेस्टी है, और स्वाद तो मत बोलिए। एक बार आप बना के ज़रूर से ट्राई करके मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको ये रेसिपी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने भी लाइक और सब्सक्राइब किया है मैंने इस चैनल को, उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग अच्छे से रहें, हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।